आज मैं कुछ आपके साथ बांटना चाहती हूँ 5 मिनट के लिए, और वो है प्रभु ने कैसे हम सबको अपने राज्य के लिए चुना है। कोई भी हो, हम कहीं से भी हो, हम धनी हो या हम गरीब हैं, हम छोटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कुछ भी हो, प्रभु ने कुछ देखा नहीं हमारे बारे में। सिर्फ प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हमें अपने राज्य में उन्होंने शामिल किया है, और इसलिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और हम चाहते हैं, हम सबका यही इच्छा है कि हम प्रभु को महिमा दे हमारे जीवन से। हम जो भी करते हैं, जैसे हमने पिछले मीटिंग में सुना, हम जो भी करते हैं हम प्रभु की महिमा के लिए वो करें। जैसे ब्रदर, मुझे याद आ रहा है जो ब्रदर सैम ने शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि मैं प्रमोशन के लिए नहीं जीता हूँ, मैं इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जी रहा हूँ। इसीलिए ऐसे ही हम सबको सोचना चाहिए कि प्रभु का जो राज्य है उसको बढ़ाने के लिए हम इस दुनिया में, अभी हम प्रभु को जान गए हैं, प्रभु ने हमको अनंत जीवन दिया है, अभी हम कैसे प्रभु को अपना जो धन्यवाद या प्रभु को हम आभारी हम कैसे बताएंगे कि हम प्रभु के आभारी हैं, वो हम प्रभु के लिए जीकर ही हम बता सकते हैं कि हम उनके लिए, जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसके लिए हम आभारी रहें। अभी मुझे एक गाना याद आ रहा है जो छोटे बच्चे गाते हैं, संडे स्कूल में उनको सिखाया जाता था। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब हम ये गाना उनको सिखाते थे, और उसमें उसका, वो इंग्लिश गाना है लेकिन उसका ये मतलब बनता है कि अगर मैं बर्तन धोऊं तो वो प्रभु के लिए, अगर मैं कपड़े घड़ी करूं वो प्रभु के लिए, जो कुछ भी मैं करूं वो प्रभु के लिए करूं। जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमारे लिए भारी हो जाता है वो कम भार का हो जाता है। हम जब हम सोचते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, चाहे बर्तन हो या कपड़ा घड़ी करना हो, खाना पकाना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, कुछ भी हो, हम जो कुछ करें, जब हम यीशु मसीह के लिए करते हैं तो हमारे दिल में एक खुशी आ जाती है कि मैं ये जो कर रही हूँ वो प्रभु के लिए कर रही हूँ। और जो जो काम हमारे लिए नहीं तो भारी होता, वो हमारे लिए खुशी की बात हो जाती है, क्योंकि हम वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु के लिए कर रहे हैं। और जो भी हम करेंगे वो पूरे दिल से, पूरे मन लगाकर और पूरी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको करने का हमारा मन भी ऐसा बन जाता है, जब हम सोचते हैं जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो प्रभु के लिए कर रही हूँ। तो ऐसे ही प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने मुझे ऐसे सिखाया कि जो भी मैं करूँ मैं प्रभु के लिए करूँ, घर का काम हो, कुछ भी हो, मैं प्रभु को के लिए कर रही हूँ, सोच के मैं करूँ। ऐसा पहले से ऐसा नहीं था, मैं कई बार हम लोगों के को दिखाने के लिए करते हैं या किसी और उद्देश्य से करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जो है वो हमें धोता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमने जो मेरे वचन सुने हैं उसके कारण तुम साफ हुए हो। प्रभु का वचन हमें साफ करता है, हमारे गंदगी को हम आगे दिखाता है, और हमें उससे साफ करने के लिए हमारे मन को बदल देता है। प्रभु के वचन में ये बड़ी ताकत है, बड़ी परिवर्तन करने का ताकत है। वो प्रभु का वचन जिंदा है, वो हमें बदलता है। जो हम पहले गलत उद्देश्य से करते थे वो हमें प्रभु के महिमा के लिए करने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रभु की महिमा हो। जो प्रभु ने
हमने जब प्रभु को स्वीकार किया, वो एक काम प्रभु ने शुरू किया है हमारे जीवन में, वो जब तक हम मरेंगे तब तक वो कार्य हमेशा होता रहेगा, क्योंकि हमारे में इतनी गंदगी है। हमको एक ब्रदर ने बोला था, अगर प्रभु हमको हमारी जो पूरी गंदगी है या गलती जो हमारे में है, प्रभु हमको एक साथ दिखा देगा तो हमको हार्ट अटैक आके हम मर जाएंगे, लेकिन प्रभु हमें धीरे धीरे दिखाता है हमारी गलतियाँ कि हम उसको ठीक करें, और प्रभु हमें उसके लिए सामर्थ्य भी देता है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो प्रभु हमको धीरे धीरे हमें बदलता रहता है, और वो शुरुआत प्रभु हमारे जो दूसरा जन्म हम लेते हैं, नया जन्म से उसको शुरू करते हैं। लेकिन ये जो कार्य है, जो उद्धार का कार्य, वो हर एक दिन का कार्य है, और वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। जब तक हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे तब तक वो काम हमारे में प्रभु करता रहेगा। इसलिए प्रभु की स्तुति है, जो प्रभु ने हमारे में शुरू किया है, हम आशा रख सकते हैं कि जो प्रभु ने हम में वो काम शुरू किया है, वो अनंत, वो जब तक हम प्रभु से जाके मिलेंगे तब तक वो कार्य हम में करता रहेगा। वो उसके लिए विश्वास योग्य है, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बस इतना ही मुझे आज बांटना है आप सिस्टर्स के साथ। थैंक यू सिस्टर। अभी हम लोग टेस्टिमनी का सेशन शुरू करते हैं। पहले सिस्टर लता बताएगी, फिर जिनी, फिर मधु, फिर अनिला, और लास्ट में मैं बताऊंगी। तो शुरुआत हम लोग करते हैं सिस्टर लता से। मैं एक ख्रिस्ती परिवार में पैदा हुआ, लेकिन हम बिलीवर्स नहीं था, मेरा मम्मी डैडी सब। और छोटे में हम संडे स्कूल जाके बाइबल पढ़ते, हम कुछ मूर्ति पूजा कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो प्रोटेस्टेंट था जिसके लिए वो बाइबल पढ़ते, संडे स्कूल जाते थे, सब करती थी। और फिर एक टाइम वो जो मूर्ति ने दिया वो 10 आज्ञाएं वो पढ़ना था संडे क्लास में, तो उसमें लिखा था कि वो मूर्ति पूजा नहीं करने का। तो जब मैं देखा सब हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते थे, तो इस वो टाइम मेरा मन में एक प्रश्न आया कि कैसे एक ही परमेश्वर ने हम सबको बनाया, लेकिन कैसे ये अलग अलग होता है। इधर देखे तो परमेश्वर को मूर्ति पूजा करना है, उधर वह लोग करते, तो सब धर्म एक नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मन में आया। तो जो कौन सा सच है वो मुझे जानना चाहिए, ऐसा एक चिंता आया मेरा अंदर। तो सालों के बाद प्रभु ने वो प्रश्न का उत्तर मुझे दिया। वो चर्च में वो बहुत सारे गाना गाते थे जो प्रभु के बच्चे लोग लिखा है, तो उसके अर्थ में मैं सोचती थी। इसके लिए उसके द्वारा बहुत सारा प्रभु ने मुझे सिखाया छोटे बचपन में ही, कि ऐसा एक उसकी जीवन है, ऐसा मुझे जान पाया। और फिर मुझे एक मिशनरी स्टोरी, मेरी स्लेसर का मिशनरी स्टोरी स्टोरी बुक मिला, मेरी स्लेसर का, वो मैं पढ़ के मुझे बहुत वो इन्फ्लुएंस किया मेरा लाइफ को। तो उधर मेरी स्लेसर ने इंग्लैंड को छोड़ के वो अफ्रीका में गई, और उधर प्रभु के प्यार के लिए, प्यार के बारे में बताने के लिए उधर जीवन मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। और वो इंग्लैंड छोड़ के अफ्रीका गई, और उधर का एक रीति था कि जो ट्विन्स पैदा होता है, वो जुड़वा बच्चे पैदा होता है, उन वो बहुत बुरी बात है उन लोगों को,
बुरी बात मानते थे, इसके लिए वो लोग माँ को घर से निकालते थे और बच्चे को तोड़ के नदी में डालते थे। तो वो लोग, तो मेरी सिस्टर ने वो खबर मिला, मिलके तुरंत वो ऐसे लोगों को बचा के एक झोपड़ी जैसा बना के उधर उसको पालन पोषण करते करके वो प्रभु का प्यार बताते थे, ऐसा जीवन। तो वो इतना एक निस्वार्थ जीवन मैंने देखा कि वो बहुत टच किया। ऐसा भी लोग एक स्त्री ऐसा जीवन बिताया, ऐसा मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और मुझे भी ऐसा जीना है, ऐसा मुझे मुझे एक इच्छा आया। फिर जब जब प्रभु को का क्रूस का मरण देखेगा देखती थी कि बहुत क्यों ऐसा प्रभु का क्यों ऐसा तुम सफर किया, वो सहन किया सब, ऐसा मेरा मैं पूछती थी। और एक चित्र मेरे सामने आती थी कि वो जैसे यीशु ने पायलट और हेरोद के सामने खड़ा हुआ और सब सब लोगों को गालियां देते थे और फिर भी वो चुपचाप खड़ा होता था, वो चित्र मुझे बहुत ऐसा कोई नहीं कोई लोग नहीं करते ऐसा मुझे मेरे मन में आया कि तब से मेरे मन में प्रभु ने एक प्यार डाला प्रभु यीशु को। तब से ऐसा एक प्यार दिया। फिर मैंने वो सब स्कूल का टाइम में, फिर हाई स्कूल में जब मैं गई एक एक टाइम मुझे बहुत सिक हुआ और खाने को मन नहीं था और श्वास लेने के लिए बहुत तकलीफ था और मृत्यु को बहुत डरती थी मैं। और मैं सोची कि मैं मर जाएगी, ऐसा मैं मेरा सोच था। तो तभी मेरे सामने कुछ नहीं, मुझे सहायता नहीं कर सकते ऐसा मेरा मन में आया। मेरा मम्मी डैडी पैसा कुछ चीजें कुछ नहीं मदद कर सकते ऐसा मेरा मन में आया। तभी मुझे समझ गया कि सिर्फ यीशु मुझे चाहिए मेरा जीवन में, ऐसा मैं समझ लिया। फिर मैं कॉलेज गई और उधर कैथलिक का कॉलेज था और उन लोग कैथलिक कैरिस्मेटिक मीटिंग उनके लिए था, लेकिन मैं नहीं जाती थी क्योंकि वो कैथलिक था। लेकिन वो एक गाना गाती थी, वो जो हम गाते हैं ना, वो यीशु के पीछे मैं चलने लगा, वो गाना इंग्लिश में वो गाती थी गाते थे वो लोग। वो गाना पहला बार मैंने सुना और वो बहुत टच किया मुझे और वो गाना मेरे मुझे मैंने अपनाया, दुनिया मेरा पीछे और क्रूस मेरे आगे ऐसा। और फिर अगर कोई नहीं मेरे साथ आएगा फिर भी मैं के पीछे करेंगे, वो मैंने दिल से प्रभु से बोला था। पहला बार मैंने स्वीकार किया यीशु ने और प्रभु ने मेरा अंदर एक आनंद से भर दिया। तो तब मुझे वो मेरा प्रश्न का उत्तर मिला कि प्रभु ही सच्चा है, ऐसा मुझे जान लिया। लेकिन मुझे कोई बिलीवर्स नहीं जानती थी ऐसा, वही चर्च में जाती थी ऐसा मेरा जीवन ऐसा। लेकिन एक ही एक वचन मेरा बहुत इन्फ्लुएंस किया उन दिनों में, वो जैसा दूसरों हमको बर्ताव करना हम चाहते हैं वैसा हम दूसरों को करना है, वो वचन मुझे बहुत बहुत रियल था। और वो वचन सचमुच मेरा जीवन में बहुत सारा पापों से मुझे दूर किया। ऐसा मैं जीती थी। फिर जब मैं 22 इयर्स था मैं बैंगलोर गई पढ़ने के लिए, उधर बहुत साल ऐसे ही दिया और मेरा बाइबल पढ़ती थी वो, लेकिन वो सब कम
होने लगी, और लेकिन फिर भी वो बाइबल मीटिंग, ऐसा बाइबल में क्या है वो सब जानने का इच्छा था, लेकिन वो उसका अवसर नहीं मिला मुझे। फिर एक लड़की को वो हॉस्टल में भेजा जिधर मैं रहती थी, वो लोग उसके द्वारा मैंने बाइबल मीटिंग जाने लगी। फिर वो टाइम में कुछ गलती रीति में मैं जा रही थी, और प्रभु ने बहुत कठोर रीति से मुझे उसे टर्न किया। और एक सिस्टर ने वो टाइम एक चीज बताया कि अगर एक अपना प्रश्न को एक उपाय आपको चाहिए तो प्रभु का उपाय, सिर्फ प्रभु का उपाय तुमको सहायता कर सकता है, और कोई उपाय नहीं काम का आएगा, ऐसा बोला वो। मैं कभी नहीं भूली वो। फिर उसके द्वारा मैं क्या मैंने समझा कि तब तक मैंने सुना कि यीशु ने दुनिया को प्यार किया, सबको प्यार किया, लेकिन वो टाइम मुझे ऐसा आया कि प्रभु ने मुझे प्यार करते, इसके लिए वो गलती नहीं जाने मैं जाती थी वो उसे मैं टर्न किया। तो उस वो दृढ़ विश्वास मुझ में आया और मेरा जीवन बदल गया। वो टाइम कोई चीज प्रभु ने दिखाया कि मेरा रूम में जो लैब का कोई चीज, एक पेन और सेलो टेप, ऐसा कुछ चीज मेरा रूम में था, तो प्रभु ने दिखाया यह सब चीज आप तुम्हारा नहीं। तो मैंने वो सब चीज लेके वापस दिया, और किसी को माफी मांगना था वो भी मैं किया, और फिर से वो बहुत आराम और शांति मिला मुझे वो करने के बाद। तो फिर तब से मेरा जीवन बदल गया। फिर उन लोगों ने मैं बैप्टिज्म लिया ब्रदरन चर्च में, उधर एक सिर्फ एक फैमिली को मालूम था और कोई किसी को नहीं था, और मैसेज में भी मैं नहीं कुछ नहीं सुना, लेकिन प्रभु ने क्लियर से एक बात मुझे बोला, बात किया कि अभी तक जो गलती है मालूम है फिर भी हमें करती थी, लेकिन अब आपसे जानबूझ के गलती में मुझे नहीं करना है, ऐसा क्लियर से वो मेरा मन में डाला। फिर एक साल उधर था, फिर मुझे सीएफसी में लाया, वो भी वो अद्भुत रीति से मुझे सीएफसी लाया प्रभु ने, कि मेरा जो इंस्टीट्यूट था उधर कोई ब्रदर्स लोग था जो सीएफसी में थे, मैं उनको किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन मालूम नहीं वो कैसे मुझे मालूम था, वो आके जाकर कैसे दिया सुनने के लिए, और जब मैं सुना कि वो इतना सच्चे मुझे मेरा हृदय बोल रहा था तभी से। और जब मैं सीएफसी उधर जाके देखा बैंगलोर में, सब छोटा छोटा चीज मुझे बहुत आश्चर्य में पड़ा, कैसा ये लोग करते, कैसा ये लोग, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे इतना टच हुआ कि मैं बोला शादी होगा या नहीं होगा, इधर ही मैं यह फेलोशिप में ही मेरा रहेगा और कोई इधर भी नहीं जाने का, ऐसा मैंने निर्णय किया। और यही फिर मेरा होली पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म भी बहुत सारा टाइम मैंने पूछा, लेकिन मुझे वो निश्चय नहीं था, लेकिन एक बार वो एक ब्रदर ने बोला कि जब हम परमेश्वर से रोटी मांगते हैं हम, वो सांप नहीं देगा, पत्थर नहीं देगा, तो मैंने वो विश्वास किया कि वो जो मैंने पूछा प्रभु ने दिया, और वो प्रभु ने बोला है कि वो पावर मिलेगा हमारा जीवन में, वो पावर जैसा दूसरे लोगों में जीता है वैसा नहीं, हमको वो पाप से
विजय होने का वो पावर मिलेगा वही ऐसा जब मैंने मेरा जीवन का पूरा मैं देखेगा वो एक वचन मेरे याद आता है जो उसके ऊपर प्यार रखता है वो उसको बचाता है तो मेरा जीवन में पाला से वो जो प्यार मुझे दिया यीशु के ऊपर वो मैं दृढ़ पकड़ा और मैं अंत तक वो पकड़ना चाहती हूँ मेरा जीवन में वो मुझे बहुत मुझे जीवन में वो लाया है अभी तक उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती है मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवन के लिए मैं बचपन से क्रिस्टी फैमिली में ही पैदा हुई और मेरे बचपन से मुझे मम्मी पापा ने सिखाया तो वैसे मुझे बचपन से सिखाया गया था इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत अच्छी हूँ मैं बहुत गुड गर्ल हूँ बचपन से ऐसा लगता था मुझे तो मैं इसके वजह से मुझे बहुत घमंड आता था तो मैं जब 8th स्टैंडर्ड में हुई तो एक कठिन परिस्थिति आया मेरे जीवन में तो तब तक मैं बहुत अच्छी हूँ ऐसा लगता था लेकिन उस सिचुएशन में मुझे समझा कि मैं अच्छी नहीं हूँ मेरे में बहुत गलतियां हैं मेरे में बहुत सिन है मुझे प्रभु ने वो दिखाया तो वो टाइम मैं रिपेंट किया और मैं प्रभु को मेरे जीवन दिया वो तो उस वो टाइम में वो फर्स्ट टाइम प्रभु को मैं जब जीवन दिया तभी मेरे अंदर बहुत एक इच्छा आया कि बाइबल पढ़ने का और प्रभु को जानने का ऐसा तो मैं स्कूल में भी बाइबल लेकर जाती थी और पढ़ती थी तो एक बार बाइबल में मैं बाइबल रीड कर रही थी और ये आया कि वुमेन या स्त्रियों अपने सिर पे वो प्रेयर करने वक्त सब ऐसा दुपट्टा सब डालने का ऐसा तो वो मैं नहीं करती थी तभी तक तो वो आने पर मुझे बहुत शक आया बाकी सब लोग कैसे सोचेंगे ऐसा सब मुझे बहुत डाउट आता था तो उस टाइम पे गॉड मुझे एक प्रश्न पूछा कि तुम मैं जो बोल रहे हो वो करूंगी या तुमको तुम बाकी लोग के अनुसार तू जीना चाहती हो तो मुझे पता था मुझे क्या करने का है मैं बोली प्रभु आपके आप जो बोल रहे हो वो मैं करना चाहिए तो ऐसा ऐसा छोटे छोटे थिंग्स में गॉड ने मुझे उसको गॉड को ओबे करने को टीच किया गॉड को का बात मानने को टीच किया फिर मेरे बैप्टिज्म में भी वैसे ही गॉड ने मुझे पूछा कि तुम मुझे प्लीज करने चाहती हो या बाकी सब क्या बोल रहे वो देखने दो देखने वाली हो तो मैं वैसे वैसे मैं प्रभु को ओबे करके मैं बैप्टिज्म लिया और बैप्टिज्म लेने के फर्स्ट ईयर कॉलेज में मैं बैप्टिज्म लिया बैप्टिज्म लेने के बाद कुछ 2-3 साल के बाद मेरे लाइफ में थोड़ा बैकस्लाइडिंग आ गया तो मैं मेरे प्यार प्रभु के लिए जो प्यार है वो कम होने लगा और मैं बहुत सारे टेम्पटेशन में बार बार गिरती थी जो मैं नहीं करना चाहिए वो पाप है मुझे पता है लेकिन मैं करती थी फिर नहीं करने का सोचती थी फिर भी नेक्स्ट टाइम अगली वाटी जब वैसा टेम्पटेशन आता है तो वापस गिरती थी तो वो उसके बारे में मैं बहुत निराश हो गई थी और एक बार मैं जब बैंगलोर कॉन्फ्रेंस गई तो वो संदीप पुनन ब्रदर उनके पास जाकर मैंने बोला कि ऐसा मेरे जीवन में मुझे वो पाप सब ओवरकम करने को नहीं हो रहा है
तो संदीप पुनन ब्रदर ने बोला कि हमको होली स्पिरिट चाहिए, होली स्पिरिट के अलावा हमको पापों सब हमको ओवरकम करने को नहीं होगा हमारे शक्ति से। तो तो वो ब्रदर ने बोला जैसे एक एक पिता अपने बच्चे को पत्थर कभी नहीं देगा, मछली और ब्रेड वैसे सब देगा, तो ऐसे ही हम जब पूछते हैं हमारा नीड है वो पवित्र आत्मा हमको बहुत जरूरत है, तो वो जरूरत जब हम पूछते हैं तो जरूर प्रभु देगा, ऐसा करके वो ब्रदर ने बोला। तो मेरे अंदर एक फेथ आया, मेरे अंदर एक विश्वास आया कि हाँ मैं अगर पूछेगी तो प्रभु जरूर देगा। तो ऐसे ही वो ही रात मैं पूछी और मुझे पवित्र आत्मा मिला, और उस टाइम से मेरे मैं गॉड को डैडी करके बुलाना सीखा। वो बाद में मुझे समझा कि बाइबल में भी ऐसा है कि वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है हमको अब्बा फादर डैडी करके बुलाना सिखाता है, गॉड को डैडी करके बुलाना सिखाता है। तो वैसे वो गॉड के साथ मैं डैडी के साथ जैसे मेरे रिलेशन है वैसा हो गया। फिर लेकिन मैंने वो टाइम पे एक मिस्टेक किया कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को बहुत इम्पोर्टेंट रखा, मेरे लाइफ में बहुत मुख्य स्थान था मेरे फ्रेंड्स के लिए। और एक साल के बाद क्या हुआ कि वो फ्रेंड्स सब कोई फ्रेंड सब मुझे धोखा दिया और मुझे बहुत हर्ट किया। तो मुझे लगता था कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। और एक दिन मुझे याद है मेरे बेड के साइड में मैं घुटना में रह के पूछा क्यों ऐसा हुआ गॉड ऐसा करके। तो गॉड ने मुझे बोला कि तुम जब तेरे फ्रेंड्स के पीछे भाग रही थी तो उतना टाइम मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, तो तू कब मेरे पास आके मेरे फ्रेंड बन के रहोगी, ऐसा करके मेरे हार्ट में मुझे समझा कि गॉड बोल रहा है। तो वो टाइम में वो सॉन्ग आया कि व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, जीसस कितना अच्छा एक फ्रेंड है। तो उसमें एक लाइन आता है कि गॉड अपने बाहों में लेके हमको कंफर्ट करेगा करके। तो वैसे ही मुझे वो परिस्थिति में गॉड ने मुझे उनको फ्रेंड जैसा देखकर वैसा फ्रेंड, तभी तक फादर जैसा मुझे पता था लेकिन बहुत क्लोज फ्रेंड जैसा तभी से मुझे जाना प्रभु को। फिर एक और इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर में, क्या हुआ कि एक सिस्टर का एक पोएट्री था, वो पोएट्री में कैसा आता है कि प्रभु मुझे आपके लिए चाहने वाला एक हृदय दो, ऐसा करके वो पोएट्री का फर्स्ट फ्यू लाइंस आता है। वो पोएट्री का लास्ट में कैसा आता है कि प्रभु कुछ भी बिल, जो भी बिल है वो मुझे भेजो, मैं वो पे करूंगा। मतलब कि जो भी उसका कॉस्ट हो, उसका ये हो दाम, या जो भी उसका दाम हो वो मैं पे करूंगा करके वो पोएट्री आता है। तो वो टाइम पे मैं वही प्रेयर किया कि गॉड मुझे वैसे एक हार्ट दो जो आपके लिए चाहता है, और जो भी आप ये करता है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करके मैंने प्रभु को बोला। बस चार ही दिन उसके बाद क्या हुआ, मैं स्कूल में वर्क करती हूँ, टीचर हूँ, तो वहां सडनली मुझे ऑफिस में बुलाया और तभी हाथ में सर्टिफिकेट देके आप दूसरा जॉब देख लो, दूसरा जॉब में जाओ, ऐसा करके बोला। मुझे बहुत शॉक हुआ, मुझे जितना पता था उतना मैं बेस्ट में वर्क करती थी वहां, बाकी सब टीचर्स भी बोलते आपको कैसा ऐसा निकाला, मतलब मैं अच्छे से वर्क करती थी वहां। तो मुझे बहुत शॉक था और मुझे ऐसा वो लेने नहीं हुआ कि मुझे ऐसा क्यों उन्होंने जाने को करके बोला। तो वो उस दिन मैं घर पे आने के बाद मैं प्रभु को पूछा क्यों प्रभु ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा करके।
तो प्रभु ने बोला, चार दिन पहले तुमने क्या बोला मेरे से ऐसे करके। तो मुझे समझा कि मैं बहुत खुश थी, तो मैं बोली प्रभु थैंक यू, आप जो भी करते हो मेरे अच्छे के लिए करते हैं, और आप क्या मुझे वो प्रभु के लिए चाहने वाला हृदय बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जॉब से भी कुछ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैसे मेरे जीवन में जो भी कठिन परिस्थिति आया है सब में गॉड ने मुझे आनंद और अपने समाधान से भरा है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। Thank you, sister. That was very encouraging. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, और परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया है, और सब बहनों का भी धन्यवाद देती हूँ उनकी गवाही के लिए। मैं मेरे जीवन से बांटना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू परिवार से आई हूँ, और हम लोग हमारा एक अच्छा बड़ा परिवार है, हम लोग छह भाई बहन है, एक्चुअली हम लोग चार बहने और हमारे दो भाई हैं हम लोग। तो हिंदू परिवार में थी, और मेरी बचपन से ही मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब वो थोड़ा डिप्रेशन में थी, और मतलब ऐसा था कि कभी कभी ठीक रहती थी और कभी कभी ठीक नहीं रहती थी, मगर जो घर का जो बोलते हैं ना प्रॉपर काम करना और वैसे मतलब उतना प्रॉपरली नहीं कर पाती थी। तो ऐसे चलता रहा थोड़े काफी दिनों तक, और हम लोग के मन में ऐसा था कि कोई कहीं भी किसी भी भगवान के पास जाएंगे, अगर मम्मी की तबीयत ठीक होती है तो हम लोग बहुत खुश होंगे। तो हम लोग ऐसा मतलब हमारे घर में ऐसा नहीं था कि हम लोग, मेरे पापा मुस्लिम की जो दरगाह है उसमें भी कुछ फूल चढ़ाते थे, और हम लोग हमारे घर में किसी पुराने टाइम का कुछ दरगाह रह गया था वहां पे भी कुछ करते थे, मतलब फूल चढ़ा के कुछ अगरबत्ती लगाते थे, और ऐसे हम लोग मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी कुछ मेरे घर में, मेरे पापा के बाद मैं ही आती थी, मैं थोड़ा सा फास्टिंग वास्टिंग भी करती थी, और स्कूल में जाते हुए भी मैं शाम में स्कूल से वापस आके मतलब जो मंदिर की साफ सफाई है वैसे सब भी काम मुझे करने में अच्छा लगता था। तो ऐसे ही चलता रहा, फिर मेरी पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली आई, और दिल्ली में मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे कैंपस में मुझे एक सरकारी जॉब में मुझे सिलेक्ट किया, वो मेरी कंपनी का नाम था पावर ग्रिड। तो ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि मैं एक छोटे फैमिली से आई थी और दिल्ली में सिलेक्शन हुआ, और वो पहला ही मतलब मैंने उतना ज्यादा मतलब कोशिश नहीं किया था कि मतलब मेरे को ऐसा था कि इतनी बड़ी कंपनी है एक बार जाके देखते हैं, अगर वो लोग ले लेंगे तो ठीक है, नहीं ले लेंगे तो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये जब ही मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी में मुझे इतने अच्छे मतलब इतने अच्छे पोस्ट में मिल गया, तो फिर जो भी भगवान है जो भी जो है शक्ति है उसके लिए मुझे बहुत मन में मैंने धन्यवाद किया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे उस कंपनी इस कंपनी में आने के बाद हम लोगों का एक कैंपस ट्रेनिंग था जो 3 महीने का, तो उस कैंपस में हम सभी लोगों को साथ में रहना था, सब चार लड़कियां थे हम लोग, और वो काफी बड़ा कैंपस था, उसमें मतलब जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनीज है, NPTI है जैसे, और NHPTL है, ये सब कंपनी के लोगों का जिनका भी सिलेक्शन होता था उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वहाँ पे हम लोग सब ऐसे हम लोग चार लड़कियां थे जो साथ में एक फ्लैट सिस्टम टाइप का था, तो वहाँ पे चार लड़कियां रहते थे, एक रूम में दो लड़कियां, दूसरे रूम में दो लड़कियां ऐसे। तो उसमें से मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी, मतलब एक लड़की थी जो बाद में मेरी फ्रेंड बनी, तो उसका नाम था राधिका। तो उसके साथ मतलब वो एक बिलीवर थी और वो भी हिंदू परिवार से आई हुई थी। तो क्या हुआ कि वो मतलब सुबह के टाइम में जल्दी उठ जाती थी, और फिर अब भले ही वो दूसरे रूम पार्टनर भी रहेगी लेकिन वो अपने रूम को थोड़ा कड़ी लगा के प्रार्थना करती थी और बाइबल पढ़ती थी, और थोड़ा सा मतलब हम लोगों से अलग थी, हम लोग जैसे दूसरे लोगों का मजाक बनाते थे मगर वो ऐसे उस समय नहीं बनाएगी, और हम लोगों को मतलब फ्री में काफी अच्छे अच्छे जगह पे खाना ये सब मिलता था, तो हम लोग उतनी उसका कदर नहीं करते थे, हम लोग जैसे प्लेट में ले लेंगे फिर हम लोग को लगेगा नहीं अगर नहीं खाना है तो नहीं खाना ऐसे करके हम लोग, लेकिन वो अगर एक छोटा सा भी बचा है तो फिर हम लोग को बोलेगी नहीं तू खा ले मधु ऐसे करके करेगी। तो हम सोचते थे यार इतना अच्छा जगह पे आने के बाद ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ऐसे भी हम सोचते थे कई बार।
और ऐसे करते करते हमें, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं था, और वो फिर हम लोगों के साथ, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ हम लोगों को अगर परेशानी है, जैसे अगर मुझे कभी सर दुख रहा है या किसी को कुछ फीवर है, तो वो बोले कि चलो हम साथ में प्रार्थना करते हैं। तो मैं सोचती हूँ ठीक है, मैं सोचती थी ठीक है कि साथ में प्रार्थना करने में क्या जाता है, तो वो छोटी छोटी बातों को लेके वो ऐसे प्रार्थना करती थी। तो और फिर मैं देखने लगी कि ये कैसा रिलीजन है कि यहाँ पे हम लोग परमेश्वर को इतने आराम से बोल सकते हैं अपने मन की कोई भी बात। तो मैं बहुत थोड़ा सा इम्प्रेस हुई पहले, तो फिर मुझे लगा कि अच्छी बात है, हम लोग हम हिंदू में तो ऐसा नहीं करते कि हम लोग सिर दर्द भी होगा तो भी हम प्रार्थना करेंगे, तो ऐसा सब नहीं था। फिर मुझे ये भी अच्छी बात लगी कि वो हमारे लिए इतना केयरिंग थी कि वो हमसे पूछती थी। और फिर मैंने ऐसे उससे कभी मेरी मम्मी के बारे में भी शेयर किया कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, रहता तू मेरे लिए प्रे करना, ऐसे तो उनके लिए प्रे करना, तो बोली ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा चलता रहा, और हम लोग का जो लड़कियों का गैंग था वो थोड़ा सा मतलब मस्ती करते थे हम लोग जैसे क्लासेस उतने अच्छे से अटेंड नहीं करेंगे, और तो हम लोग के लिए सर ने कुछ पनिशमेंट दिया था। एक बार हम लोगों ने क्या किया कि हमारी क्लास बंक करके मैं मेरे झांसी का टिकट निकाल के मैं ट्रेन में चढ़ गई, और मुझे क्या लगा कि कोई देखता नहीं है, वो सब क्लासेस मतलब ऐसे कुछ बहुत सीरियसली नहीं लेते थे हम लोग, लेकिन वही बाय चांस क्या हुआ कि हमारे कॉर्पोरेट सेंटर से हम लोगों को उसी समय पे इंस्पेक्शन के लिए कोई आया, और वही टाइम पे फिर ये हुआ कि अभी तो इन लोगों को सस्पेंड कर देंगे। तो मुझे मेरे कोर्समेट ने मैसेज किया, तो मैं बहुत टेंशन में थी, और उसी समय पे जो मेरी फ्रेंड थी राधिका, उसने मुझे बुक्स दी थी, और मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट क्रिश्चियनिटी में मतलब मुझे ऐसे अच्छा लगता था सुनने में उसके मुंह से। तो मैं वो एक बुक पढ़ रही थी, वो बुक में था कि इसके बारे में, जॉयस मेयर की एक बुक थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट यू विल एवर मेक, उस बुक का ऐसा शीर्षक था, और उसमें पूरा गॉस्पल था, और वो छोटी सी बुक थी। तो मैं मेरे ट्रेन में पढ़ रही थी, और वही टाइम पे ये सभी इंसिडेंट्स हुए थे, और राधा ने हमारे वो पनिशमेंट के लिए भी प्रार्थना किया था, तो वो प्रार्थना भी प्रभु ने सुना था, और हम लोग उस समय पनिशमेंट से भी बच गए थे, मतलब वो सर फिर खुद ही भूल गए कि उन्होंने ऐसा बोला था। तो ये भी मेरे लिए एक टेस्टिमनी, मतलब राधा मुझे ये था कि हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। मेरे हिंदू भगवान से तो मैं ये सब बातें शायद नहीं मांगूंगी, ऐसा भी मुझे लग रहा था। तो मैं जैसे ट्रेन में एक बार जॉयस मेयर की जो बुक है वो मैं पढ़ती हुई, मेरे दिल्ली से मैं झांसी जा रही थी, तो वो 6 घंटे का रास्ता था, और मेरा रिजर्वेशन मुझे अच्छी कैटेगरी मतलब प्रॉपर बोगी में नहीं मिला था, तो मैं जनरल बोगी में जा रही थी, और वो शायद कुछ मतलब पीक टाइम था कि जब रिजर्वेशन मिलते नहीं थे, तो मैं ऐसे जा रही थी, और ये बुक मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ली थी, और परमेश्वर मतलब पवित्र आत्मा शायद मेरे अंदर काम कर रहा था, और मैं राधिका को भी देखती थी कि कैसे वो एक एक बात के लिए प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर सारी बातों का भी उत्तर देते थे ज्यादातर बातों का। तो फिर मैं वही टाइम पे मैं जब जनरल बोगी में टॉयलेट में गई, और क्या हुआ कि टॉयलेट का जो दरवाजा है वो मेरे से लॉक हो गया, और मैं बहुत घबरा गई, तो क्योंकि मैं ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर रही थी, और मैं बहुत घबरा गई कि ये अगर दरवाजा खुलेगा नहीं तो मैं क्या करूंगी, किसको आवाज दूंगी या क्या करूंगी जनरल बुक की, मतलब मुझे बहुत डर लगा। फिर मैंने मन में प्रार्थना किया कि मैंने अभी बुक की तभी मैंने बुक खत्म की थी, फिर मैंने कहा कि अगर फर्स्ट टाइम वो मैंने ऐसे प्रार्थना किया, मैंने बोला कि परमेश्वर अगर जो मैंने अभी जो मैंने बुक पढ़ी और वो आप ही सच्चे परमेश्वर है, यीशु मसीह अगर सच्चा परमेश्वर है तो ये दरवाजा खुल जाए अभी। तो वही टाइम पे देखा तो थोड़ा सा मैंने जोर डाला और वो दरवाजा खुल गया, तो मैं एकदम बहुत धन्यवाद देने लगी। फिर मैं घर गई, तभी परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो मेरे मन में काम कर रही थी। तो वो टाइम में जैसे मैं मंदिर पहले के जैसे फिर मैं एक बार मंदिर गई, मतलब मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है, तो वहां पे मैं गई, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है जो मतलब मुझे कुछ मेरे अंदर ऐसा काम कर रहा है जो मुझे अंदर से रोक रहा है कि मैं ये गलत कर रही हूँ, जैसे अंदर मतलब कुछ लड़ाई चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में मैं यहाँ पे खड़ी तो हूँ लेकिन मेरे मन में कोई है और मेरे हृदय में कोई है जो मुझे बोल रहा है कि मैं गलत जगह पे खड़ी हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए और ये सब झूठा है जो भी है। तो ऐसे मैं लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, मैंने सिर्फ बुक ही तो पढ़ी थी लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि पवित्र आत्मा इतना काम करने लगा है मेरे अंदर। तो फिर ऐसे करके फिर मैं वापस गई दिल्ली, फिर वही फ्रेंड के साथ मैं एक बार कलीसिया गई चर्च में, फरीदाबाद में हम लोग स्टे कर रहे थे तभी, तो फरीदाबाद में एक कलीसिया में मैं गई उसके साथ,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो जो वर्सेस उन्होंने दीवार पे लगाए हुए थे बाइबल में से, तो वो वर्सेस को पढ़ के मुझे बहुत सच्चाई लगी कि हाँ मतलब ये इतना प्यार करने वाले परमेश्वर हैं और वो सब, और वो उनका जो आराधना हो रहा था वो आराधना में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब सिर्फ अच्छा ही लग रहा था, ऐसा नहीं था कि वही टाइम पे मुझे लग रहा था सिर्फ और कोई परमेश्वर नहीं है। तो मैं ऐसे सुन रही थी और मुझे अच्छा सा फील हो रहा था, तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ। फिर एक बार और मैं वीक डेज में कोई डे में मैं एक बार और राधिका के साथ फिर से एक और चर्च में, उसी चर्च में फिर से गई, फरीदाबाद में ही। तो वहां पर फिर कोई टीम आई हुई थी, और जैसे कोई कोई चर्चिस में होता है कि वो लोग बुलाते हैं कि अगर कोई आपकी प्रार्थना की विनती है तो आप आगे आके प्रार्थना के लिए बताइए। तो सारा वर्शिप खत्म होने के बाद ऐसे प्रार्थना के लिए बुलाया, तो आगे बुलाया मुझे, तो मतलब सबको जिसको भी आना है उसको बुलाने आने के लिए बोला, तो मैं भी ऐसे आगे गई। तो वहां पे जो एक लेडी थी उसने मुझे पूछा आपका क्या विनती है, तो मैंने बोला कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसा है, तो मैं उनके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। तो ठीक है, तो वो फिर मेरे ऊपर सर पे हाथ रख के ऐसे प्रार्थना करने लगी। तो जब भी वो प्रार्थना कर रही थी तो मुझे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन मुझे जो भी जो मैंने गलत काम किए थे इससे पहले, मतलब उस दिन के पहले, वो सब मेरे को ऐसा ऐसा स्क्रीन शॉट जैसा होता है वैसे मेरे सामने आ रहे थे। क्योंकि मैं जैसे मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, और कभी उनको जो चीज वो बोलेगी करने के लिए, और जो गलत मतलब जो वो सही चीज मुझे करने के लिए बोलेगी मैं उसका उल्टा भी कभी कभी करती थी, क्योंकि मेरे अंदर वो चिड़चिड़ाहट बहुत थी बचपन से ही। क्योंकि वो घर में थोड़ा हम लोगों ने उतनी उतनी भी शांति नहीं थी घर में, कभी कभी अच्छा था घर में माहौल और कभी कभी नहीं भी था, तो एक चिड़चिड़ापन मन में था। तो मैं ऐसे कभी कभी ऐसे उनको परेशान करने के लिए गलत काम करती थी, तो वो सब मेरे ऐसे आंखों के सामने आ रहा था और मुझे ना बहुत रोना आ रहा था, और मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे आंसू क्यों नहीं रुक रहे, और मैं बहुत रोते जा रही थी। फिर जो राधिका थी वो समझ रही थी कि क्या हो रहा है। फिर मैं ऐसे राधा वो ये खत्म होने के बाद उसने मैं उससे ऐसे बहुत अच्छे से हक किया, इससे पहले मैं कभी उससे ऐसे हक नहीं करती थी क्योंकि वो मेरे साथ ही थी, लेकिन फिर भी ये होने के बाद मैंने उसको हक किया। और राधा फिर उसके बाद फिर राधा को अच्छा लग रहा रहेगा, फिर बोली क्या हुआ, फिर मैं ऐसे थोड़ा लगने लगा कि मैंने कहा नहीं मैंने बहुत गलतियां की है, तो मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे मुझे माफ किया है। जैसे मैं पूरा बोल भी नहीं पा रही थी लेकिन मैं उसको बता रही थी शायद परमेश्वर ने मुझे माफ किया है, मैं बहुत गलतियां करती हूँ। फिर उसके बाद मैं रूम में गई, और वो रूम में जाने के बाद मेरी रूम एक और रूममेट थी जिससे चर्च जाने के पहले कुछ बात पे कुछ हल्का सा झगड़ा हुआ था हमारा, तो उससे भी मैं गई और मैंने बोला, मैं उससे गले लग के बोलने लगी, राधा सॉरी सोनिया सॉरी मैंने ऐसा ऐसा तेरे से कुछ कहा था ना आज। तो वो बोली नहीं नहीं इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो फिर ऐसे करके मैं सोचने लगी, मतलब फिर मैं मुझे समझ में आने लगा कि हाँ कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो मुझे अंदर से थोड़ा बदल रहा है। ऐसे करके फिर वही फ्रेंड के साथ मैं बाइबल पढ़ने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था बाइबल में क्योंकि वो सब वर्ड्स मेरे सब ऊपर से जा रहे थे, तो लेकिन उसके साथ बैठ के थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा बाइबल को। तो और उसी के 15 दिन के बाद 15 कुछ ऐसे दिन निकले और हम लोगों का ट्रांसफर हो गया, और मेरा मतलब सबको अलग अलग पोस्टिंग दी गई और मुझे पोस्टिंग दी गई बड़ोड़ा। तो बड़ोड़ा मेरा इतना भी चॉइस पोस्टिंग नहीं था, लेकिन और कोई ऑप्शन शायद नहीं थे, मुझे दिल्ली में रहना था। एक्चुअली दिल्ली मेरे घर के पास में था, लेकिन मुझे बड़ोड़ा दिया तो मुझे बहुत थोड़ा सा डर सा भी लग रहा था कि मैं नई जगह कैसे जाऊंगी, और मेरे को अगर मेरे घर आना पड़ेगा तो मुझे 20 घंटा ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसे सब सोच के मैं थोड़ा परेशान थी। लेकिन मैं अभी सोचती हूँ कि वो परमेश्वर की एकदम अद्भुत योजना थी मेरे जीवन के लिए, क्योंकि मैं अगर बड़ोड़ा नहीं अभी तब नहीं जाती थी तो मैं अभी शायद इधर भी नहीं होती थी। तो वो टाइम में बहुत जैसे मैं रो रो के फिर भी मैं बड़ोड़ा आ गई, और फिर परमेश्वर मुझे बहुत अद्भुत रीति से वहां के कलीसिया में मुझे इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि मैं किसी भी क्रिश्चियन लोगों को नहीं जानती थी। लेकिन मेरे ही ऑफिस में वहां बड़ोड़ा पहुंचने के पहले क्या हुआ कि किसी फ्रेंड ने मुझे एक और फ्रेंड का नंबर दिया, और बाय चांस वो फ्रेंड एक क्या साउथ के चर्चेस को कुछ बोलते हैं, साउथ के चर्च का मेथडिस्ट चर्च की एक जाने वाली एक लड़की थी, तो वो लड़की से मुझे मिलना हुआ, और वो लड़की ने मुझे अल्फा बाइबल करके वहां पे एक चर्च है वहां के लोगों का नंबर, वहां के लोगों के साथ वो फेलोशिप में एक दो बार गई थी, तो वो उस क्रिस्टा के साथ मैं वहां के लोगों के साथ फेलोशिप में गई,
और थोड़े दिन के बाद जो क्रिस्टा थी, जो साउथ मेथोडिस्ट चर्च की थी, वो उसको थोड़ा थोड़ा अलग लगता था. मतलब जो हम मतलब जो ब्रेदरन असेंबली है और जो एक्चुअली वो पेंटिकोस्टल हम लोग चर्च में थे, तो वो थोड़ा सा उसको अलग लगता था, तो वो खुद जाना बंद कर दी. मगर ये सब परमेश्वर का ही कार्य था कि वो मुझे बड़ौदा में उस चर्च से इंट्रोड्यूस कराया. फिर ऐसे धीरे धीरे हम लोग मैं उस कलीसिया में जाने लगी, सैटरडे को प्रेयर के लिए जाने लगी. और फिर मैं परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि हाँ मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए. जैसे ऐसे थोड़े थोड़े बातों में परमेश्वर की मैं बातों को मानती गई, और फिर कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे मेरे हस्बैंड से मिलवाया. और फिर परमेश्वर अभी भी मेरे जीवन में बहुत कार्य कर रहे हैं. तो सारी गवाही मैं परमेश्वर के लिए बोलती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. I don't know, मैंने ज्यादा टाइम लिया कि कम लिया. कोई बात नहीं मतलब. बी नेक्स्ट अनिला सिस्टर. मैं आप लोगों से बांटना चाहती हूँ कि मैं कैसे प्रभु में प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके मैंने स्वीकार किया. ये जो निश्चय मैंने अपने जीवन में लिया, वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निश्चय था. और मैं खुश हूँ कि ये जो निश्चय मैंने लिया, वो मैं 13 साल की थी तब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया. मैं एक क्रिस्ती परिवार में बड़ी नहीं हुई, क्योंकि मेरे जो पापा जो थे वो क्रिस्ती तो थे लेकिन नाम से क्रिस्ती थे. और मेरी मम्मी प्रभु यीशु को जानती थी क्योंकि उनके परिवार में वो चर्च जाया करते थे और वो पेंटिकॉस्टल बिलीवर थे वो. लेकिन मम्मी की शादी एक अनबिलीवर से हुई थी. तो मेरे डैडी आर्मी में ऑफिसर थे, तो उनको इन चीज़ों में सब बिल्कुल भी रुचि नहीं थी. वो शराब पीते थे, वो पार्टी में डांस, ये सब, उन सब चीज़ों में उनको बहुत प्यार था, उन सब चीज़ों में. और मैंने ये देखा कि जब हम छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, तब से मैंने देखा है कि मम्मी इन बातों में खुश नहीं रहती थी. जो मेरे डैडी इन चीज़ों में सब जाते थे, वो सब मम्मी को तो अच्छा नहीं लगता था. तो हम छोटे थे लेकिन हमारे मन में समझ में आता था कि इसमें तो कुछ गलती है, क्योंकि मम्मी इससे खुश नहीं है. किसी ने हमको बताया नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन हमें समझ में आ जाता था कि कुछ तो ठीक नहीं है, इसलिए मम्मी अभी खुश नहीं है इन चीज़ों से. और क्योंकि डैडी आर्मी में थे, तो हम हर 2 साल डैडी का ट्रांसफ़र होता था. तो हम पंजाब पठानकोट में थे, फिर उसके बाद पुणे गए, फिर पुणे से सिकंदराबाद, फिर उधर से बेंगलोर गए, फिर लेह लद्दाख, फिर मीरठ, अलाहाबाद, फिर वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी उधर गए, फिर राजस्थान में अजमेर और गांधीनगर, गुजरात में, ऐसे पूरे इंडिया में हमने दो साल करके हर एक जगह ऐसे हम रहते थे. फिर डैडी का ट्रांसफ़र हो जाता था, इसलिए जब बचपन तो बहुत ही उत्तेजनापूर्ण एक जीवन था. बहुत मज़ा आता था क्योंकि हम अलग अलग लोगों से मिलते थे और अलग अलग राज्यों में देख जाके रहने का ये सब हमें मौका मिला. लेकिन जब भी हम गांव में जाते थे, केरला में जाते थे, तो मैं देखती थी कि मेरे जो नाना है, मेरे नाना ने मेरे मम्मी के जो नाना हैं, वो मेरे डैडी को सुसमाचार बताते थे, लेकिन वो कभी भी मानते नहीं थे. वो हमेशा तर्क वितर्क करते थे उनके साथ. और मेरे डैडी बहुत बुक्स पढ़ने वाले व्यक्ति थे, तो उनसे मुझे भी वो आदत मिला बुक्स पढ़ने का. इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे उनसे तर्क करते रहते थे. लेकिन सब जो मेरे मम्मी के परिवार के लोग थे, सब डैडी के लिए
वो प्रार्थना करते रहते थे कि वो विश्वास में आए। और फिर ऐसे डैडी का ट्रांसफर हुआ लेह लद्दाख में, तो उधर हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बॉर्डर है चाइना के साथ, तो हम नहीं जा सकते थे, तो हम बेंगलोर में ही थे। तो डैडी लेह लद्दाख में गए और वो ठंड का समय था, पूरा बर्फ था सब चारों तरफ, और हिमालय का वो जो पहाड़ उधर वो थे, और उनको अस्थमा का अटैक आ गया और उनको ऐसे लगा कि वो मरने वाले हैं। तब डैडी को याद आया जो भी मेरे नाना ने मम्मी के नाना ने उन्हें बताया था, तो उनको ऐसे लगा कि अभी मैं तो मरने वाला हूँ, मैं बचूंगा नहीं। तो तब तक तो उन्होंने प्रभु को पुकारा नहीं था, लेकिन उस टाइम में उन्होंने प्रभु को पुकारा और बोला प्रभु आप मुझे जीवन दोगे तो मैं इसके बाद आपके लिए जीऊँगा। तो प्रभु ने उनको वो टाइम चंगाई दिया और वो ठीक हो गए। फिर उसके बाद जब डैडी बेंगलोर में आए तो हमने देखा डैडी का जीवन एकदम बदल गया। तो तब से जब मैं छोटी थी, वो समय मैं चौथी क्लास में थी, तो मुझे समझ में आ गया अरे ये यीशु मसीह में कुछ तो है, क्योंकि उन्होंने मेरे डैडी को एकदम बदल लिया, शराब पीना ये सब छोड़ दिया। तो मेरे दिल में भी एक रुचि था यीशु के बारे में सुनने, और फिर हम चर्च जाने लगे। डैडी आने के बाद फिर हम को चर्च लेके जाते थे, जो तब हम वहाँ बेंगलोर में थे, तो जिस चर्च में पेंटिकॉस्टल चर्च में हम जाते थे तो वहाँ ब्रदर जैक स्पेशल स्पीकर होके उधर आते थे वचन बांटने के लिए। तो तब से मैंने, जब मैं छोटी थी तब से मैंने उनको देखा है, और हम सबको बहुत अच्छा लगता था उनका मैसेज सुनने में, क्योंकि वो एकदम अलग से प्रचार करते थे, जो लोग करते हैं उनसे एकदम अलग से करते थे। फिर उसके बाद डैडी का फिर से ट्रांसफ़र हुआ, हम मेरठ गए। फिर मेरठ गए तो उधर हाँ मेरठ में गए, तब मैं 13 साल की थी। तो उधर हम चर्च में जाते थे और उस चर्च में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सा हुआ, जहाँ बाहर से कोई प्रचारक आए थे और वो वचन बांट रहे थे और उद्धार का वचन बांट रहे थे कि प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया है और हमें उनको उद्धारकर्ता करके हमें स्वीकार करना चाहिए। और वो टाइम मुझे याद है जब मैं छोटी थी, तब भी जब भी कुछ होता था, जैसे कभी आंधी आती थी या कुछ हो जाता था, तब मेरे मन में डर आता था और मैं सोचती थी अरे अगर कुछ हो जाए, अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने पाप किया है, मुझ में गलतियां हैं। तो जब मैंने वो सुसमाचार वो टाइम वो जो प्रचारक बांट रहा था तो मैंने उनका सुना, तो मैंने उन्होंने ये वचन बांटा कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया कि जो भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। तो मैंने दिल में प्रभु से प्रार्थना किया और बोला प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे नरक में नहीं जाने का, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे अनंत जीवन चाहिए। और मैंने प्रभु से वो उस टाइम मैंने प्रार्थना किया और ऐसे मैं प्रभु में आई। फिर उसके बाद वो चर्च के जो पास्टर थे उन्होंने हमें बपतिस्मा लेने को कहा, और वो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं 13 साल की थी कि बपतिस्मा क्या है। सिर्फ मुझे पता था कि बाइबल में है ऐसा बपतिस्मा लेते हैं। तो फिर मैंने हाँ किया और मैंने और मेरी सिस्टर है वो जुड़वा है, हम दोनों जुड़वा हैं, हम दोनों ने बपतिस्मा भी लिया। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही प्रभु में थोड़े थोड़े मैं बढ़ती रही और वचन सुनती थी, चर्च जाते थे हम लोग। फिर जब मैं 12वीं क्लास में थी तब डैडी का ट्रांसफ़र इलाहाबाद में हो गया था, तो हम इलाहाबाद में थे और 12वीं का एग्ज़ाम के बाद बहुत समय रहता है कि फिर हमें चूज़ करना पड़ता है क्या करेंगे हम आगे। तो बहुत हमें छुट्टियां मिली कॉलेज स्कूल के बाद, कॉलेज जाने से पहले, तो वो समय में
मुझे भी वो बुक्स पढ़ने की बहुत आदत थी, तो मैं एक मेरे फ्रेंड थे और वो टाइम हमें बहुत अच्छे दोस्त मिले जो बहुत मेरे से बड़े थे, मुझसे बड़े थे, लेकिन वो प्रभु से वो बहुत प्यार करते थे और वो हमें उत्साहित ऐसे करते थे। जहाँ भी हम गए मैंने देखा मुझे ऐसे दोस्त मिले जो प्रभु से बहुत प्रेम करते थे और वो मुझे उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि प्रभु के साथ चलो। तो हम जब वहाँ इलाहाबाद में थे, वहाँ मेरी एक फ्रेंड थी, उनके घर में मैं गई और उनके पास एक ये बुक था जिम एलियट और एलिजाबेथ एलियट करके, मिशनरी थे वो भी, और वो ऐसे अमेरिका से साउथ अमेरिका में मिशनरी बन के गए और उन्होंने अपना जीवन दे दिया उधर। उन जो आदिवासी जैसे लोग थे उन्होंने वो वचन बांटने गए और उनको वो भाला से उन्होंने उनको मार दिया। और मैंने उनका पुस्तक पढ़ा और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि मुझे भी जैसे ये प्रभु यीशु के पीछे चलता था वैसे मुझे भी चलना है, मुझे भी वचन पढ़ना है। और मेरे डैडी भी बहुत हमें उत्साहित करते थे वचन पढ़ने के लिए और हमें एनकरेज करते थे। रोज़ सुबह शाम को हम फैमिली प्रेयर होता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरे पिताजी वचन से बांधते थे तो, और हर एक दिन जो मुझे उस दिन के लिए चाहिए था वो मुझे वचन से मिलता था। तो मुझे वचन के प्रति मेरे दिल में बहुत प्रेम था। तो ऐसे ही मैं प्रभु में आगे बढ़ती गई। और जब हम जवान होते हैं तब हम बहुत चीज़ों का सामना करते हैं। तब मेरे मन में आता था प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इस परिस्थिति में, लेकिन प्रभु तब मैंने एक गाना सुना जो कहता है कि वो इंग्लिश में है, वो कहता है ही प्रॉमिस्ड अस दैट ही विल बी आ काउंसलर, कि प्रभु हमारा सलाहकार होगा। तो मैं हमेशा जब भी मैं ऐसी परिस्थिति में आती थी जहाँ मुझे समझ में नहीं आता क्या करना है, मैं हमेशा वो गाना याद करती थी और मैं बोलती थी प्रभु आपने वादा दिया है आपके वचन में कि आप मेरे सलाहकार होकर मुझे चलाएंगे, आप बताओ। तो मैंने देखा है जब भी मैं प्रभु से मांगती थी प्रभु हमेशा अपने वचन से मुझे दिखाते थे क्या करना है आगे। तो ऐसे प्रभु ने मुझे अपने वचन से चलाया है आज तक, और मैं विश्वास करती हूँ कि आगे भी वो मुझे चलाता रहेगा। और मुझे याद है जब मैं वो 12वीं क्लास में थी तब मैं सोचती थी मैं प्रभु को तो जानती थी लेकिन फिर भी मेरे मन में वो चारों तरफ लोगों का कष्ट और जो अन्याय ये सब देख के मेरे दिल में बहुत दुख होता था। और मैं सोचती थी प्रभु इस जीवन का मतलब क्या है, मैं क्यों जी रही हूँ, मैं इस दुनिया में आई हूँ, मुझे मैं जन्म लिया है, अभी मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, उसके बाद शादी होगा, बच्चे होंगे, यही है क्या जीवन का मतलब, इसका मतलब क्या है। मुझे मेरे दिल में ऐसे प्रश्न आता था क्यों क्यों मैं इस दुनिया में, मुझे बताओ प्रभु मेरा जीने का मकसद क्या है। तब मैं जैसे वचन पढ़ रही थी प्रभु ने जो प्रकाशित वाक्य रेवेलेशन 4:11 उसमें ऐसे लिखा है, इंग्लिश में वो वचन है और वो उसमें कहता है कि प्रभु ने ही मेड ऑल थिंग्स फॉर हिज प्लेजर। तो जब मैंने वो वचन पढ़ा मेरे जीवन में एक संतुष्टि आई कि मैं प्रभु ने मुझे अपने प्लेजर के लिए अपने खुशी के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है। तो मेरी जो मकसद है इस दुनिया में रहने की वो इसलिए है कि मैं प्रभु को खुश करूं, प्रभु को खुशी दूं। तो मुझे ऐसा इतना आश्वासन मिला कि प्रभु ने मुझे अपने वचन से मुझे उत्तर दिया जब मैंने मन में उनसे पूछा मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। तो ऐसे ही मैंने देखा है प्रभु ने अपने वचन से आज तक मुझे चलाया है और मैं विश्वास करती हूँ आगे भी प्रभु ऐसे ही मुझे चलाता रहेगा। आंटी वन क्वेश्चन, हाउ डिड यू मीट मैथ्यू अंकल? अच्छा
That was, you know, when I was afterwards, my dad got posted again to Bangalore, and we used to attend Brother Zach's church. And over there, it was actually my mom and Brother Matthew's mom met. And they, you know, it was like more like an arranged marriage. We didn't see each other. It was like they spoke among themselves, and it was decided, like, you know, and then we met. Yeah, we spoke to each other, and yeah, I also felt like, yeah, this is because one thing I liked in Matthew was he said, all I want to do is live for Jesus. I don't have any other desire in my heart. And that was the time even I had this desire in my heart that, Lord, whatever I do, I just want to live for you, or I don't want anything else. And I felt that, you know, that same thing was echoing from him also. So I felt, yeah, this is the person I agreed to, like, you know, to marry. That's how we met. Thank you, Anila. Yeah, welcome. My turn. शुरुआत में जैसे मैंने पहले कहा था एक सिस्टर्स मीटिंग में कि मैं एक क्रिश्चियन मतलब फैमिली में मेरा जन्म हुआ. मेरा एक भाई है जो मेरे से 3 साल बड़ा है. हम लोग 4 जन मम्मी डैडी सब एकदम पेंटिकॉस्टल फेलोशिप में जाते थे, तो मैं भी जाती थी. वो उस टाइम पे डैडी मेरे बहुत लविंग है लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट भी है. जो वजन पढ़ना चाहिए मतलब वजन पढ़ना चाहिए, मेमोरी वर्स अगर रिसाइट करना है तो करना है, जो कुछ फैमिली प्रेयर में बैठना है तो बैठना है. तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस घर में होता था. तो मैं बचपन से एकदम लाइक अ वेरी रिफाइंड चाइल्ड जैसा, मतलब बाहर से एकदम रिफाइंड जैसा मैं रहती थी. मतलब जो कुछ डैडी बोलते हैं वैसे करूँगी, जो कुछ मम्मी बोलते हैं वैसे करूँगी. डैडी से तो कोई हिम्मत था ही नहीं कि ना बोलने का, कभी हिम्मत ही नहीं हुआ, क्योंकि फिर हमारी खैर नहीं ऐसा, स्पेशली मी. मेरा भाई जो था वो एकदम बचपन में बहुत थोड़ा बिगड़ गया वो. तो ये हम लोग मैं देखती थी और मम्मी बहुत परेशान थी उसके बिहेवियर से. इतना याद है, इतना मुझे अच्छे से याद है कि पेरेंट्स को किसी भी तरह से कोई भी दुख नहीं देना चाहिए. ये मेरे मन में बचपन से था, पता नहीं कहाँ से था क्या था, बट मेरे कुछ भी बिहेवियर से, मेरे कोई भी मतलब बातचीत से मेरे पेरेंट्स को कोई भी तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये मैंने ठान लिया था और ये मेरे मन में था और अकॉर्डिंगली मेरा बिहेवियर भी ऐसी था. लेकिन ये सब इससे मैं क्रिश्चियन हो गई ये मैं बोल नहीं सकती. मेरे डैडी मम्मी क्रिश्चियन है करके मैं क्रिश्चियन हो गई. मैं पेंटिकॉस्टल चर्च में जाती हूँ, वहाँ सब प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, इसलिए मैं क्रिश्चियन हो गई मैं कभी नहीं बोल सकती. क्योंकि उसमें अंदर का कोई बाहरी दिखावा में अच्छी हूँ, लेकिन अंदर मेरे उसमें ओके, मम्मी कर रही है तो मम्मी जा रही है तो ठीक है जा रहे, हम लोग भी जाते हैं प्रेयर मीटिंग. मैंने स्टे ये बहुत प्रेयर मीटिंग में जाते थे, स्कूल के बाद होता तो भी बहुत जाते थे. लेकिन फिर मैंने देखा है मेरे बचपन में मेरी मम्मी एक ऑलराउंडर जैसी थी. घर का काम, नर्स थी, ऑफिस में भी, ये सब काम सब अच्छी तरह से करती थी. लेकिन उसके बाद भी सवेरे 4 बजे उठकर, मेरे डैडी बाहर गांव में थे 8 साल, 4 बजे उठकर मम्मी एकदम चुपचाप बिना आवाज के उठकर अंधेरे में बैठ के प्रार्थना करती थी. ये मैंने बचपन में देखा है. कभी बीच में उठ जाती थी वॉशरूम जाने के लिए, तो मैं देखती थी कि मम्मी प्रार्थना कर रही. तो मेरे को तभी इतना सीरियसनेस नहीं लगा, लेकिन ये रोज होता था. इन स्पाइट ऑफ मम्मी को मॉर्निंग ड्यूटी होते हुए भी मम्मी सवेरे उठ के प्रार्थना करती थी, ज्यादा करके मेरे भाई के लिए, क्योंकि वो एकदम बिगड़ चुका था. वो पढ़ाई में बहुत तेज था, ही वॉज अ रैंक होल्डर, बट उसको ओबीडियंस या चर्च गोइंग बिल्कुल पसंद नहीं था. तो वो एक वीक पॉइंट था घर में. डैडी बाहर गांव थे तो डैडी को ये सब मालूम भी नहीं था डिटेल में. डैडी परेशान हो जाएंगे सोच के हमने मम्मी डैडी को बता देने, तो मम्मी ने बहुत कुछ टेंशन, इसकी वजह से मम्मी को बहुत टेंशन हुआ. फिर ऐसा हुआ कि ब्रदर्स जो चर्च में हम लोग थे, ब्रदर्स हमारे घर में आते थे और मेरे भाई को काफी समझाते थे कि ऐसा नहीं है, चलो हमारे साथ यूथ मीटिंग को चलो, नहीं मैं नहीं आता हूँ ऐसा.
एक दिन ऐसा हुआ कि बारहवीं वो दसवीं हो गया, उसका बारहवीं हो गया, एक बार एक यूथ मीटिंग में जाने के बाद वो एकदम चेंज हो गया। घर में आने के बाद उसके कपड़े सब हम मैंने देखा कि बैग के कपड़े कपड़े जो दूसरा कपड़ा पहन के आया वो, और कपड़ा सब गिल्ला है। इसके पहले ही हम लोग ने कुछ परिवर्तन उसमें देखा था। मम्मी ने मम्मी को रहा नहीं गया, मम्मी ने बोला क्या हो गया तेरे को, ये सब कपड़ा क्यों गिल्ला है? तो उसने बोला मैंने बैप्टिसम ले लिया। तो हमको बहुत खुशी हो गई, मम्मी को एकदम मम्मी रोने ही लग गई क्योंकि ये असंभव था, ऐसा हो ही नहीं सकता इसके साथ। तो उसके साथ एकदम बदलाव देखा, उसके लाइफ में एक बदलाव देखा जो कभी बदल नहीं सकता है, उसके लाइफ में इतना बड़ा बदलाव देखा और वो एकदम स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हो गया, लाइफ एकदम 180 डिग्री चेंज हो गया उसके लिए। तभी मैंने सोचा मेरी मम्मी परमेश्वर में, डैडी परमेश्वर में, मैं ऐसे नेम से एक क्रिश्चियन कैसे जी सकती हूँ? तो मुझे लगा कि मुझे भी चेंज करना चेंज होना चाहिए, नहीं तो मैं लास्ट डेज में क्या उत्तर दूंगी प्रभु को, इतना सब सुना, इतना सब मीटिंग को गया और फिर कुछ बदला भी नहीं हुआ। एक प्रोडिकल सन को अगर आप चेंज कर सकते तो मैं तो एकदम फैरिसी टाइप हो गई, मतलब बाहर से अच्छा अच्छा दिखाती हूँ लेकिन अंदर कुछ बदलाव नहीं है। शायद डैडी की स्ट्रिक्टनेस के वजह से या उनके बहुत प्यार के वजह से ऐसे था। डिसोबीडियंस करके मेरे को बचपन में ज्यादा कुछ याद ही नहीं है, ऐसा कहा डिसोबीडियंट, वेरी वेरी लविंग चाइल्ड ऐसा करके मेरे को। तो मैं एकदम कुछ तो प्राइड भी था उसमें, उसके साथ घमंड भी हो गया था मेरे। मैंने फिर भाई के जीवन से देखे और मेरी मम्मी के प्रार्थना से मैंने ये अनुभव किया कि जरूर कुछ तो है, प्रभु में ऐसा जिएंगे तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मतलब कुछ फायदा नहीं। अगर मेरा मेरा भाई बदल सकता है, हम लोग दो जने हैं, मेरा भाई बदल सकता है, इतना परिवर्तन उसमें हो सकता है, मेरी मम्मी बेचारी हर दिन प्रार्थना करती है इतना स्ट्रेस में होने के, डैडी के अलावा मम्मी को ही सब कुछ करना पड़ता था, इतना सब करती है मेरी मम्मी, तो मैं ऐसा नामदारी क्रिश्चियन रह के कुछ फायदा नहीं, मतलब इट इज मेरे को बहुत दुख हो रहा था मन में, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। फिर मेरे नर्सिंग में एडमिशन हुआ, 4 साल नर्सिंग में गए, लेकिन वहां पे भी कोई फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स इजिली बना नहीं सकती थी क्योंकि फ्रेंड्स का नेचर एब्सोल्युटली दूसरे, मतलब अलग तरीके से था। कोई कॉलेज फंक्शंस में या एनुअल फंक्शंस में मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी तो उनको थोड़ा, वो लोग थोड़ा अपसेट भी हो जाते थे। तो मैं ऐसा 4 साल कैसे, तो नर्सिंग हो गया, फिर हॉस्पिटल ज्वाइन किया, टीचिंग में गई, 24 साल टीचिंग में थी। वहाँ उनको मालूम था कि मिस क्रिश्चियन है, ये सब तो मतलब ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, ये सब फिर भी वो बदलाव नहीं हुआ जो परिवर्तन होना चाहिए अंदर से। बाहर का कप क्लीन है लेकिन अंदर का कप अभी भी मैला हुआ है। तो इससे मैं डिसहार्टन हो जाऊंगी कि लास्ट डे में प्रभु बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर शादी का बात हुआ, शादी के टाइम पे सोलोमन ने जैसे प्रार्थना किया कि सोलोमन को पूछा गया कि तेरे को क्या चाहिए, तो उसने विजडम के लिए प्रार्थना किया, लेकिन गॉड ने उसको विजडम के जगह पे रिचेस भी दिया, धन भी दिया, बाकी सब एडेड बहुत कुछ दिया सोलोमन को। तो मैंने भी सोलोमन के जैसे प्रार्थना किया, गॉड मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, ये मामले में मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं इतना खाली प्रार्थना करती हूँ कि डैडी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो डैडी ने अगर किसी के साथ शादी करना बोला है तो फिर उसके साथ ही करना है, मेरा कुछ चलेगा ही नहीं, कोई कोई डैडी का व्यू चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे को बहुत डर था कि डैडी के व्यू को चेंज करने का किसी को कोई ये नहीं है, मतलब कोई हिम्मत नहीं है। तो तभी मैंने प्रार्थना किया, इतना मतलब तभी दिल से प्रार्थना किया, ये लाइफ का सवाल है, बाकी सब एजुकेशन यू कैन चेंज, जॉब यू कैन चेंज, बट मैरिज पार्टनर यू कैन नॉट चेंज। ऐसा मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे को सिर्फ एक गॉड फियरिंग हस्बैंड चाहिए, बाकी कुछ भी प्रार्थना करने को आता भी नहीं था। जैसे मैंने बताया ये मामले में बिल्कुल बुद्धू ही थी कि चलो अभी शादी हो रहा है तो एटलीस्ट ये चीज के लिए मैंने प्रार्थना किया, बस और कुछ भी नहीं। फिर शादी कब, जो पहले चर्च में थे वो चर्च से लोगों का डिसीशन आया, तो मेरे ब्रदर ने, ब्रदर मेरे भाई मेरे से बड़े, तो भाई को ये होता है कि सिस्टर को, सिस्टर के मैरिज प्रपोजल के लिए सब भाई
आगे आगे रहता है यूजली, वो लोग इनिशिएटिव लेते। तो जब भी मेरे हस्बैंड को देखा तो उनको तभी लगा कि यही बस। तो डैडी बोल रहे थे नहीं और भी देखो कोई भी रहेगा ऐसा वक्त। तो मेरे डैडी, तो मेरे भाई ने बोला कि अभी मैं मेरे बहन के लिए कोई और किसी को भी देखने वाला नहीं हूं, ये है इससे ही शादी मेरी बहन करेगी। पता नहीं उसने क्यों ऐसा बोला। आज मैं बहुत, मैं मेरे ब्रदर से बहुत क्लोज हूं, आज उनके वजह से ही और बाकी ब्रदर्स और सिस्टर जो पहले चर्च में थे एक दो जन, उनके वजह से मेरा ऐसा एक शादी हुआ। शादी के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ क्योंकि मेरे फैमिली और मेरे हस्बैंड की फैमिली में बहुत डिफरेंस है। मेरे फैमिली बहुत कम बात करते हैं ऐसा है, और मेरे हस्बैंड की फैमिली में बहुत ज्यादा बात करते हैं, शोर है, बहुत फॉरवर्ड आते हैं, लविंग है, सोशल है, ऐसा सब। तो मेरे को लेकिन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ एडजस्ट करने का क्योंकि आई वॉज वेल एक्सेप्टेड इन द फैमिली। मुझे बहुत फैमिली में बहुत एक्सेप्टेंस मिला, इतना अच्छा इन लॉस और बहुत ही अच्छा एक्सेलेंट मदर इन लॉ ये सब मिला। तो मुझे बहुत सब, मतलब ऐसा टू मच टू टेक। इसलिए मैंने बोला कि मेरे सोचने से भी ज्यादा और मेरे मांगने से ज्यादा और मेरे सोचने से भी अच्छा मेरा प्रभु ने मेरे लिए किया। और अभी मैं एक्चुअल बदलाव मेरे शादी के बाद, उससे पहले किसी को तकलीफ तो नहीं दिया लेकिन बदलाव अंदर से नहीं हुआ। शादी के बाद जो बदलाव हुआ वो मेरे हस्बैंड के कारण है। उनमें जो विश्वास देखा, मेरे बच्चों, मेरी बड़ी बेटी में जो विश्वास देखा, मेरे को लगा कि एक माँ होके उतना प्रार्थना या विश्वास नहीं है जो इन दोनों में देखा। और इन प्रभु के लिए और लोगों के लिए जो प्यार उनमें देखा, वैसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन मेरा निश्चय एकदम दृढ़ हो गया कि प्रभु के लिए जीना है। तो एक्चुअल बदलाव शादी के बाद हुआ। तो इससे मेरे को तो, लेकिन मैं अपने मम्मी डैडी के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। अगर मेरे डैडी उस टाइम पे स्ट्रिक्ट नहीं रहते और मेरी मम्मी का बोला वो अगर मैं नहीं सुनती, सोच के कि वो लोग प्रभु में इतना प्रभु उनको सब कुछ मालूम नहीं हो, तो, मतलब पहले के जो सभा में था, जो फाउंडेशन मुझे उधर से मिला, मैं वो चर्च के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उसके वजह से मेरे को बहुत ही अच्छा फाउंडेशन मिला। और मीन्स आई हैव नथिंग टू रिग्रेट, कोई चीज का पछतावा नहीं है मुझे उस बात में। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इसके वजह से सब अभी भी काफी बदलाव बाकी है। ऐसा ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन जैसे आगे दिन जा रहा है ऐसे मेरे को लग रहा है कि प्रभु मेरे में और भी काम कर रहा है, और भी सीरियसली काम कर, लोगों के लिए प्यार और चर्च के लोगों के लिए प्यार, बाहर के लोगों के लिए प्यार, प्रभु के लिए जीने का करके एक वो इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि सराउंडिंग में सब प्रेयर है, सब कुछ है, तो वो बोलते हैं ना, सब अच्छे एप्पल्स के विद ऑल गुड एप्पल्स, इफ अ रॉटन एप्पल इज देयर, सबको रॉटन कर देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं रॉटन निकल जाऊं और अच्छा हो जाऊं ताकि बाकी एप्पल्स भी अच्छा रहे। वैसा हो गया लाइफ। तो मैं प्रभु को इतना ही बोलने का था मेरे को, ऐसे मैं प्रभु में आई।